नैनीताल में आज डीआईजी पूरण सिंह रावत ने कुमाऊं भर के पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। डीआईजी ने कहा कि कुमाऊं में सीसीटीवी के जरिए अपराध पर नियंत्रण किया जाएगा। इसके लिए कुमाऊं के जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर नाराजगी जताते हुए डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को अपराधों पर नियंत्रण रखने के आदेश देते हुए कहा कि बच्चे तथा महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर त्वरित प्रभाव से कार्रवाई की जाए। इसके अलावा वाहन चोरी अपराधों में अंकुश लगाने, वाहन चोर गिरोह का पता लगाने, चोरी हुए वाहनों की बरामदगी करने, साइबर क्राइम नियंत्रण करने के अलावा युवाओं में लगातार बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। डीआईजी ने कुमाऊं में चल रही 32 चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। सीसीटीवी मैपिंग के निर्देश हुए हैं हमारे, सिर्फ एक पिथौरागढ़ जनपद और एक शायद बागेश्वर में जो है सीसीटीवी मैपिंग पूरी नहीं हो पाई है। उसके अलावा जितने एग्जिस्टिंग सीसीटीवीज हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक मोहल्ले में एक एक सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल हो जाए, ताकि यदि कोई अवांछित तत्व वहाँ पर गैर जरूरी तरीके से घूम फिर रहा है तो वो जो है हमारी नोटिस में हो और उसको हम ट्रैक कर पाए। आज न्यूज के लिए नैनीताल से कांतापाल की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।